हाय फ्रेंड्स, मैं देवयानी, आपका बी इलेक्ट्रो स्मार्ट इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं ये साल हमारा बहुत इम्पोर्टेंट साल है, क्योंकि 2023 में केबीएस के एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है। इसमें सभी जो विद्यार्थी हैं वो स्टडी करने के लिए लग गए। अभी हमारे सभी स्टूडेंट का एक ही गोल है, जीवन का एक ही लक्ष्य है, जो टारगेट केबीएस एग्ज़ाम 2023, ये नौकरी हमारी है। बिकॉज हम बहुत सालों से इस एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी वो इंतज़ार हमारा ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हमारा जो केबीएस एग्ज़ाम 2023 ये अगले साल कंडक्ट होने वाला है। ये एग्ज़ाम लगभग फेब्रुआरी नहीं तो मार्च में हो सकता है, बिकॉज़ हमारे पास अभी भी बहुत कम डेज है। इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास लगभग, अगर हम डिसाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल 75 डेज है। 75 डेज है। इन 75 डेज में हमें केवीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए 75 डेज का प्लानिंग बनाना पड़ेगा। इसमें हम बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, बिकॉज आप अगर बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए लगेंगे तो आपके एग्ज़ाम का जो ये तो वो निकल नहीं पाएगा। तो इस वक्त हमें हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन उसके साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना है, बिकॉज ये नौकरी हमारी है। इन के वैसे एग्ज़ाम में आप पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, इन तीन एग्ज़ाम का फॉर्म भरने वाले। अभी आप सोचिए कि आप कौन से एग्ज़ाम को टारगेट करने वाले। अगर आप पीजीटी को टारगेट करने वाले तो आप पीजीटी का के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि तीनों एग्ज़ाम के ऊपर अगर फोकस करोगे तो आप कौन सा ही एग्ज़ाम निकाल नहीं पाओगे। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहती हूँ कि आपको जो इजी लगता है, जिसमें वैकेंसी ज़्यादा है, वही वही जॉब के लिए आप प्रिपरेशन ज़्यादा करिए। और बाकी के दो फॉर्म, अगर आप तीनों एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, मतलब आप डीएड भी हो, बीएड भी हो, साथ में सीटेट भी आपका क्लियर हुआ है, साथ में आपका मास्टर डिग्री भी क्लियर हुआ है, तो आप, मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगी कि आपका अगर टीजीटी का सब्जेक्ट कंसर्न और पीजीटी का एक ही सब्जेक्ट कंसर्न एक ही होगा, तो आप दोनों में से एक ही एग्ज़ाम को चुनिए और उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर और दूसरे एग्ज़ाम का फॉर्म भी भर कर रखें, जिससे आपको मदद होगी कि दूसरे एग्ज़ाम का सिलेबस। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने सिलेबस कैसे अपना कॉमन निकाले। ये देखिए फ्रेंड्स, ये केवीएस का सिलेबस है 2023 के लिए। इसमें जनरल सिलेबस, पूरा सिलेबस, हमारा जो केवीएस एग्ज़ाम है ये टोटल 180 मार्क्स का होने वाला है। इसके लिए हमारे जनरल सिलेबस में जनरल इंग्लिश आई है, जो पीआरटी में 10 मार्क की है, टीजीटी में ही 10 मार्क की और पीजीटी में भी 10 मार्क की। जो जनरल हिंदी है वो पीआरटी में 10 मार्क के लिए पूछने जाने वाली, टीजीटी में 10 मार्क के और पीजीटी में 10 मार्क के पूछेगी। अभी पार्ट टू में क्या आता है, जो जनरल में जीके करंट अफेयर्स है वो पीआरटी में 10 मार्क्स के लिए पूछने जाने वाला है, टीजीटी में 10 मार्क्स और पीजीटी में 10 मार्क्स में पूछेगा।
रीजनिंग 5 मार्क्स के लिए पीआरटी में, टीजीटी में भी 5 और पीजीटी में भी 5, कंप्यूटर 5 मार्क्स टीजीटी और पीजीटी में 5 5 मार्क्स, पेडागोजी 60 मार्क्स के लिए पीआरटी है और टीजीटी के लिए 40 और पीजीटी के लिए 40 मार्क्स है। और यहाँ पे सब्जेक्ट कंसर्न जो होता है, इस 80 मार्क्स में 20 मार्क्स का हिंदी, 20 मार्क्स का इंग्लिश, 20 मार्क्स का ईवीएस, 20 मार्क्स का मैथ, ऐसा टोटल 4 सब्जेक्ट के ऊपर सब्जेक्ट कंसर्न पूछा जाने वाला है पीआरटी में। और टीजीटी में 100 मार्क्स का जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट आता है वो आप देख लीजिए, वो 100 मार्क्स का पूछने जाने वाला है। और उसकी जो जो लेवल है वो 12th तक की पूछने जाने वाली है, कि तो आपको एनसीईआरटी का यहाँ पे प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है वो 5वीं से 10वीं तक के सब की जो एनसीईआरटी के बुक है वो आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। और पीजीटी में आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न आता है वो आप इस तरह से लिख लीजिए। और रहे नेक्स्ट लेवल, अगर हमारा रिटर्न एग्ज़ाम निकल गए तो हम इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे, जो हमारा 60 मार्क का पीआरटी के लिए, 60 मार्क्स का टीजीटी के लिए और 60 मार्क का 30 पीजीटी के लिए। अभी फ्रेंड्स आप देखिए, मैंने ऐसे मेरा सिलेबस एनालिसिस कर लिया है, जिससे आपको पढ़ाई करने के लिए आसानी होगी और आप एक ही एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कर सकते। फ्रेंड्स अभी ये जो जनरल सिलेबस है, जो 6 सब्जेक्ट है, वो हमारे 3 ही एग्ज़ाम में कॉमन है। तो आप एक काम अच्छे से कर सकते कि ये जो 3 सब्जेक्ट है, मतलब टीजीटी में 80 मार्क्स का जनरल पेपर आएगा और पीजीटी में 80 मार्क्स का जनरल पेपर आएगा, जिसमें 6 सब्जेक्ट है, वो अगर आप अच्छे से करेंगे तो ये भी कोर्स स्कोरिंग करने के लिए अच्छा होगा। जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है उसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप 10 10 मार्क्स के लिए बहुत बड़ी किताबें 2 और 3 मत लीजिए। जो भी आपने इसमें ग्रामर ही पूछा जाएगा, जो आपने सीटेट के लिए ग्रामर पढ़ा था वही एक ही बुक आप एक ही बुक आप इंग्लिश के लिए, एक ही बुक हिंदी के लिए, छोटी सी पतली सी बुक का पढ़ाई कीजिए। नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाए, जिससे आपका ये जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, करंट अफेयर्स में आप मोबाइल से जो वीडियोस आते हैं उसमें से आप करंट अफेयर्स सबके 10 मार्क्स के कवर हो जाए। रही बात 5 मार्क्स रीजनिंग और कंप्यूटर की, इसको आप मेरा मानना है कि रीजनिंग का अगर आपको आता होगा तो ये आप ध्यान दीजिए, नहीं तो बड़ी किताब पढ़ने में मत बैठ जाइए, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। आपका सबसे ज़्यादा स्कोर का है पेडागोजी, आप पेडागोजी अच्छी तरह से पढ़िए और जो आपका सब्जेक्ट है वो आप में ज़्यादा पढ़े, जिससे आपका स्कोरिंग ज़्यादा होने वाला है। और जो हिंदी, इंग्लिश और पेडागोजी, इसमें आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, जिससे आपकी पढ़ाई होने में अच्छे से होगी। आप इधर उधर मत भटकिए, ज़्यादा कुछ किताबें जो आजकल के बेस के वीडियोस बनाए रहे, जिसमें बता रहे बेस बुक फॉर के बेस, ऐसा मत कीजिए। जो आपका समझ में आता है वही इजी बुक आप रेफर कीजिए, और जिससे आपका कम वक्त में स्मार्ट स्टडी होगा। जितना आप स्मार्टली स्टडी करेंगे उतना ही आपको केवीएस की एक एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते। सो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। ये देखिए आप ऐसे फ्रंट पेज पर आपका लिख सकते फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।